कोरोना से अमेरिका में 160,000 लोग संक्रमित, 3,000 मौतें। अब ट्रंप ने दे दी ऐसी चेतावनी के लोगों के बीच फैला खौफ। नमस्कार। कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया भर में जारी है। इस बीमारी ने दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले देश अमेरिका को भी घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है और वहां के हालात बेहद ही खराब है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अब तक 160,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जो चीन द्वारा घोषित आंकड़े से लगभग 2 गुने हैं। अमेरिका में मौत की संख्या 3,000 के करीब पहुंच गई है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कैसी चेतावनी दी है जिसने अमेरिकियों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया और कहा कि ये महामारी अमेरिका में 2 लाख नागरिकों की जान ले सकती है। अगर मौतों का आंकड़ा 1 लाख तक भी रहता है तो हम समझे कि हमने इसके खिलाफ जंग जीत ली। ट्रंप ने कहा कि लोगों की जान बचाना मेरी प्रायोरिटी है और अर्थव्यवस्था मेरे लिए दूसरे नंबर पर है। द वाशिंगटन पोस्ट द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार सोमवार को पहली बार कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 500 से अधिक हो गई। FDA ने अमेरिकी अस्पतालों को मलेरिया रोधी दवाओं की लाखों खुराक वितरित करने के लिए एक ट्रंप प्रशासन योजना को मंजूरी दे दी है। इस बात की पुष्टि न किए जाने के बावजूद कि कोरोना वायरस के खिलाफ दवाएं काम करती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।